सर्जेंट पृथ्वी जाले, लेकिन कैप्टन व्योम, फुलर सूर्य और हमारे बाकी सारे साथी कहाँ हैं? पारस के कैद में, अब सिर्फ हम दोनों उन्हें बचा सकते हैं। लेकिन कैप्टन व्योम, हमारे पास सवाल जवाब का वक्त नहीं है। साइड पृथ्वी कितनी देर में पहुंच सकते हैं? 2 घंटे में। पृथ्वी की ओर ले जी कैप्टन। पृथ्वी की कक्षा पहुंचने तक यान को ऑटो पायलट के हवाले कर दो। यान ऑटो पायलट के हवाले। बहुत अच्छे साइडी, अब मुझे सोचने दो। लेकिन कैप्टन व्योम, क्या मैं पूछ सकता हूं कि पारस की कैद में हमारे सारे साथी को छोड़कर हम पृथ्वी क्यों जा रहे हैं? पारस ने हमारे साथियों को सोने की मूर्तियों में बदल दिया है, अब सिर्फ वो उन्हें वापस जिंदा कर सकता है, वो भी 24 घंटे तक। उसके बाद पारस खुद उन्हें एक सुनहरी मौत से नहीं बचा सकता। लेकिन हम पृथ्वी क्यों जा रहे हैं? पारस को चेतना तत्व चाहिए जो गुडेल के सुरक्षित कक्ष में बंद है। इस कक्ष को सिर्फ हमारे विश्व प्रमुख खोल सकते हैं। हमें विश्व प्रमुख को गुडेल ले आना है और सुरक्षित कक्ष को खुलवाना है। क्या विश्व प्रमुख हमारे साथ गुडेल चलेंगे? पता नहीं, लेकिन ये तो तय है, अगर वो हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं होते तो उन्हें जबरदस्ती ले आना पड़ेगा। सॉरी कैप्टन व्योम, इस काम में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्यों, क्या हुआ? अगर आप हुक्म करेंगे कैप्टन व्योम, तो मैं आपकी भट्टी में कूद जाऊंगा, पिघल जाऊंगा। हमारे किसी भी साथी को चोट पहुंचने से पहले वो चोट मैं अपने सीने पर खा लूंगा। ऐसे बनाया इंजीनियर फुलर ने मेरा प्रोग्राम। मेरे प्रोग्राम के मुताबिक मैं मिट तो सकता हूं, लेकिन अपने विश्व प्रमुख के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। बस आईडी, मुझे इंजीनियर फुलर पर नाज है कि तुम्हें ऐसे प्रोग्राम किया, लेकिन अगर तुम मेरी बात समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं विश्व प्रमुख के खिलाफ बगावत की बात नहीं कर रहा। यह बगावत क्या होती है कैप्टन व्योम? विश्व सरकार के खिलाफ कोई भी कदम जानबूझकर उठाना। लेकिन अभी अभी तो आप विश्व प्रमुख को जबरदस्ती उठा लेने की बात कर रहे थे। साइडी, पारस के पास एक ऐसा यंत्र है कि गुडेल पर बैठे वो विश्व का सर्वनाश कर सकता है, इसलिए विश्व प्रमुख को यहां ले आना जरूरी है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कैप्टन व्योम, अगर विश्व प्रमुख अपने आप गुडेल आए भी और हमने चेतना तत्व पारस को दे भी दिया और हमारे साथी हमें वापस मिल भी गए और विश्व प्रमुख सही सलामत पृथ्वी पहुंच भी गए, तो इसके बाद आप कैसे यकीन कर सकते कि पारस पृथ्वी का नाश नहीं करेगा? हमें विश्व प्रमुख को गुडेल नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि विश्व अंतरिक्ष सेना की मदद लेनी चाहिए। तुम्हारी राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साइडी, लेकिन विश्व अंतरिक्ष सेना का हमला देखकर अगर पारस ने पृथ्वी का नाश किया तो? पारस पृथ्वी का नाश कर सके, उससे पहले हमें पारस का नाश कर देना चाहिए। और हमारे साथियों का क्या होगा? पता नहीं। तो मेरी बात मानो, हम पृथ्वी जाएंगे और विश्व प्रमुख को ले आएंगे। और विश्व प्रमुख ने आने से इनकार कर दिया तो? तो हम उन्हें जबरदस्ती ले आएंगे। अपने आप को विश्व अंतरिक्ष सेना के रोबोट साइडी के हवाले कर दीजिए, मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। तुम्हें फिर से क्या हो गया? इस रोबोट का पहला उसूल है अपने विश्व प्रमुख की रक्षा, और इसकी रक्षा करते हुए मुझे किसी की जान लेनी भी पड़े तो मैं ले लूंगा, आपकी भी कैप्टन। अपने हाथ ऊपर कीजिए कैप्टन व्योम, मैं 3 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता कैप्टन व्योम, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। जिंदाबाद विश्व प्रमुख सर। जिंदाबाद कैप्टन व्योम।
वो सोचता है कि पारस का कहा मानकर वो सारे विश्व की रक्षा करेगा, तुम सबकी रक्षा करेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि चेतना तत्व पारस को मिलते ही पारस को कोई नहीं रोक सकेगा। तुम उसे ये क्यों नहीं समझा कि वो अगर इस पृथ्वी को मिटा देगा तो साथ साथ हम भी मिट जाएंगे और हमारे इन पंजों के निशान, और अगर ऐसा हुआ तो वो चेतना तत्व हासिल नहीं। मेरा तो मानना यह है कि अगर उसे चेतना तत्व नहीं मिला तो सिर्फ गुस्से में आकर भी वो पृथ्वी उड़ा सकता है। आपको मेरे साथ गुडेल चलना होगा सर, मैं आपको लेने आया। कैप्टन व्योम, तुम अच्छी तरह जानती हो कि कोई भी विश्व प्रमुख इस पृथ्वी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। यह विश्व सरकार का कानून है। सर, कानून तब रहेगा जब पृथ्वी रहेगी, और यह पृथ्वी को बचाने का आखिरी रास्ता है। कैप्टन व्योम, यूं मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ चलने से डर रहा हूं। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी विश्व अंतरिक्ष सेना का एक सैनिक था, और आज अगर वही सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा होता तो उसका खून भी खौल उठता, और वो भी कहता कि चलो इस पृथ्वी को बचाते हैं। आज ये विश्व प्रमुख पारस के सामने मजबूर है। इस पृथ्वी के करोड़ों लोगों ने मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, और उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना मेरा फर्ज है। विश्व सुरक्षा परिषद की इजाजत के बगैर मैं कहीं नहीं जा सकता। हाँ, तुम अगर चाहो तो उस परिषद के सदस्यों को यहां बुलाया जा सकता। सर, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, आपको इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। उसको गिरफ्तार करने के बजाय उसकी ताकत बढ़ाने की बात कर रहे हो तुम, और इस वक्त मैं ये तय करने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम हमारे इस खतरनाक मिशन को संभालने के काबिल हो भी कि नहीं। विश्व प्रमुख सर, विश्व अंतरिक्ष सेना का सैनिक होने के पहले मैं पृथ्वी का मानव व्योम हूं। समझ लीजिए, जो मैं करने जा रहा हूं वो कैप्टन व्योम नहीं, पृथ्वी का मानव व्योम कर रहा है। चलिए मेरे साथ। विश्व अंतरिक्ष सेना के रोबोट साइडी इस मानव को गिरफ्तार कर। साइडी, उसका रिमोट मेरे पास है सर, कुछ नहीं कर सकते। चलिए। रुक जाओ। अगर विश्व प्रमुख की जिंदगी चाहते हो तो हथियार फेंक दो। इसकी बातें मत सुनो, खत्म कर दो इसे। इन्हें अगर कुछ हो गया इसके जिम्मेदार तुम होगे। ये विश्व प्रमुख गांव का मैं। हथियार हटाओ। चलिए चलिए। हाथ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए हाथ। चलो साइडी। विश्व प्रमुख सर, विश्व अंतरिक्ष सेना यान उल्का पर आपका स्वागत है। गुडेल पहुंचने में अब भी 15 मिनट बाकी है, अगर आप चाहते हैं तो और आराम कर सकते हैं। मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि तुम कैप्टन व्योम एक विश्वद्रोही हो। सर, मैं विश्वद्रोही तब होता अगर मैं आपको लिए बगैर गुडेल वापस लौटता। मेरी बात मानिए, अगर हम सही वक्त पर गुडेल नहीं पहुंचते तो विश्व को कोई नहीं बचा सकता, ना आपकी सरकार और ना आपकी सेना। तो तुम विश्व को कैसे बचाओगे? पारस को चेतना तत्व दिलाकर, उसकी ताकत को और बढ़ाकर?
सर, पारस को चेतना तत्व तो देना ही नहीं है। फिर मुझे यहां उठा लाने की क्या जरूरत थी? सर, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो पारस मुझे गुडेल की कक्षा में पहुंचने ही नहीं देते, इसलिए आपको लाना जरूरी थी। कैप्टन व्योम, तुमने पारस को पकड़ने का क्या प्लान बनाया है? सर, पारस ने अपने महल में दो तरह के यंत्र लगा रखे हैं। एक अल्फा शील्ड, जिसकी वजह से सारे गुडेल ग्रह पर अल्फा गन नहीं चलते, और दूसरा जिससे वो पानी के हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर विश्व का नाश कर सकता है। हमें पारस को अपने महल से बाहर निकालना होगा ताकि साइडी वो दोनों यंत्र को तोड़ सके, और तब हम पारस को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन पारस अपने महल से बाहर क्यों निकलेगा? वो जरूर आएगा सर। आपको देखकर वो अपना चेतना तत्व हासिल करने के लिए इतना बेचैन हो जाएगा कि वो हमसे मिलने के लिए सुरक्षित कक्ष दौड़ता चला आएगा। कैप्टन व्योम, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि तुम्हारे इरादे नेक हैं, और ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि तुम अपने इस प्लान में कामयाब हो सकते हो, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि तुम कामयाब हो। इसलिए जब तक ये खतरा सिर्फ हम दोनों तक है, तब तक मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। कैप्टन व्योम, वक्त के तो बड़े पाबंद हो तुम, वक्त से पहले ही चले आए, क्या हुआ? मैं विश्व प्रमुख को ले आया हूं। राजी खुशी? नहीं, जबरदस्ती। वाह, जवाब नहीं तुम्हारा, अब दिखाओ सरकारी नजारा। देखो, मरा तो नहीं? नहीं, सिर्फ बेहोश है। बहुत अच्छा, इसे लेकर सुरक्षित कक्ष में चले जाओ और वहां से चेतना तत्व लेकर मेरे पास चले आओ। ऐसा तो नहीं होगा पारस। क्या कहा? नहीं होगा? तुमने ठीक सुना, अब होगा ये कि तुम मेरे साथियों के पुतले लेकर सुरक्षित कक्ष आओगे। मैं तुम्हें विश्व प्रमुख के साथ वही मिलूंगा। एक तरफ विश्व प्रमुख कक्ष खोलेंगे और दूसरी तरफ तुम मेरे साथियों को फिर से जिंदा करोगे। सब आमने सामने होगा। लगता है तेरी याददाश्त ताजी करनी पड़ेगी। भूल गया आशर ग्रह का कितना बड़ा धमाका हुआ था, और यह भी भूल गया कि पृथ्वी पर कितना पानी है। मुझे सब याद है पारस, लेकिन तुम भूल रहे हो कि धमाकों से तुम्हें चेतना तत्व नहीं मिलने वाला। चेतना तत्व तुम्हें सिर्फ विश्व प्रमुख दिला सकते हैं, और इस वक्त वो मेरे कब्जे में। तो ये बात है, कैप्टन व्योम पारस से डरता है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे डरती और इसीलिए अपने महल से बाहर निकलना नहीं चाहते। पारस ना तो कभी डरा है ना कभी हारा, ये शर्त भी मंजूर है पारस को। तो अब तय है, हम सीधे सुरक्षित कक्ष पर मिलेंगे। तुम मेरे साथियों को लेके आओगे, और तुम विश्व। पारस को मिल गया हमारा, न्यारा, बहुत न्यारा। कैसा ये नजारा विश्व प्रमुख? आप देख रहे हैं कितने बदतमीज हो गए आपके सैनिक। कैप्टन, ओ कैप्टन, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम अपने विश्व प्रमुख की जान लेने पर आमादा हो जाओ। जो और मत आजमाओ पारस, मेरे साथियों को फिर से जिंदा कर दो। पहले चेतना तत्व, फिर साथी। नहीं, पहले साथी। आप नजरें क्यों नहीं मिलाते हमसे? देखिए, आप ही हैं जो इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। आप ही कहिए ना, पहले चेतना तत्व या पहले साथी। अब आपको जो करना है कीजिए, मैं आपके किसी काम का नहीं। नहीं, जब तक हमें चेतना तत्व नहीं मिल जाता, आप हमारे लिए बहुत काम की चीज है। आप फैसला नहीं लेना चाहते तो हम ले लेते हैं फैसला। कैप्टन व्योम, पहले मुझे चेतना तत्व मिलेगा, फिर तुम्हें तुम्हारे साथी। मैं तीन तक गिनूंगा, अगर मेरे साथियों को जिंदा नहीं किया तो मैं विश्व प्रमुख को खत्म कर दूंगा, फिर तुम्हें चेतना तत्व कभी नहीं मिल सकता। एक, दो। रुको, मैं जानता था तुम्हें मुझ पर भरोसा है। यहाँ पर तो कोई भी यंत्र नहीं है। कैप्टन व्योम ने तो कहा था कि यही कहीं होंगे।
अरे ये क्या है? जरूर अल्फा शील्ड होगी। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा तभी हो गया था जब तुमने बहुत सलीके से मुझे मेरे महल से बाहर बुलाया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम जानते हो कि मैं अगर अपने यंत्रों से दूर हो जाऊं तो तुम्हारी पृथ्वी पर हमला नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने उसका प्रबंध कर लिया। ये देखो, ये मैं अपना यंत्र साथ ले आया। अब तुम्हारी पृथ्वी पर हमला यहीं से हो सकता है। अरे मेरा कोई यकीन ही नहीं करता। अच्छा ये देखिए, वो ग्रह देख रहे हैं, वो अब है। और अब नहीं यार, धमाका, और अब होगा पृथ्वी का धमाका। बस मैं दरवाजा खोलने के लिए तैयार हूं। रुक जाइए विश्वप्रभु, मेरा पहला फर्ज है पृथ्वी को बचाना। पृथ्वी को कुछ नहीं होगा। तुम्हें कैसे मालूम? मान जाइए मेरी बात, वो झूठ बोल रहा है। जिंदगी है तो उम्मीद है। मेरी बात मान जाइए सर, वो झूठ बोल रहा है। जुआ खेलेंगे विश्वमुख। अब मैं तीन तक गिनूंगा, एक दो। जा मेरे रास्ते से। मैं आपको ऐसा कभी नहीं। दो चेतना तत्व, अब हुआ चेतना तत्व हमारा, अब होगा सारा जहां हमारा। बेचारे विश्व प्रमुख अपनी जान दांव पे लगा दी पृथ्वी को बचाने के लिए, लेकिन मिला क्या? मिला हमें चेतना तत्व। जानते हैं हम इस चेतना तत्व को क्या करेंगे? जानते हैं हम? नहीं जानते। अच्छा, क्योंकि अगर आप जानते तो जल्दी नहीं करते अपना पंजा यहाँ रखने में। इस चेतना तत्व से पारस सारे मानवों की चेतना चूस लेगा। सारे मानव पारस के गुलाम हो जाएंगे। सब वही करेंगे जो पारस कहेगा। अब बनेगा पारस सारी पृथ्वी का शहंशाह। सारे विश्व पर राज करेगा पारस। और शहंशाह पारस को अब चाहिए पारा, पारा, पारा। पारस को चाहिए पारा। ये रहा मेरे पास। चाहिए तो लौटा दे चेतना तत्व। नहीं नहीं, मैं चेतना तत्व किसी को नहीं दूंगा। ये चेतना तत्व हमारा है। तू पारा नहीं मिलेगा तो मैं पृथ्वी को उड़ा दूंगा। पारस, तुम पृथ्वी को नहीं उड़ाओगे। पारस, अगर पृथ्वी को उड़ाओगे तो राज किस पर करोगे? हुकूमत किस पर चलाओगे? गुलाम किसे बनाओगे? लेकिन पारस को चाहिए पारा। तो लौटा दे चेतना तत्व हमारा। अगर उन्हें छुआ भी सारा पारा मिट्टी में मिला जाएगा। पारा तुम्हें मिल जाएगा, पहले चेतना तत्व। देखिए सर, इसकी मजबूरी। ये पारस किसी भी तत्व को किसी भी तत्व में बदल सकता है। सिर्फ पारा नहीं बना सकता, और सिर्फ पारे की इसे लत है। पृथ्वी खत्म कर दूंगा। साइडी, पकड़ लो इसे। कैप्टन व्योम, मैंने अल्फा शीट तोड़ दिए। अल्फा शील्ड टूट चुका है पारस,
चेतना तत्व साइडी के हाथ में दे दो। मेरे दूसरे साथियों को आजाद करो। चलो। विश्व प्रमुख सर, मैं आपका गुनहगार हूं। आप जो चाहे सजा मुझे दे सकते हैं। नहीं कैप्टन व्योम, गुनहगार तो मैं हूं। मैंने तुम पर शक किया। तुम वाकई वीर हो, ना सिर्फ पृथ्वी के वीर बल्कि आकाश वीर। धन्यवाद। चलो सर, अपने जेनोन एम्पलीफायर सर्किट से कहीं और जाके खेलते हैं। सूर्या, तू यहाँ? तुम्हें पता भी है जेनोन एम्पलीफायर होता क्या है? क्यों, आपको नहीं पता? फुला शट अप साइडी। जेनोन एम्पलीफायर हर तरह के तरंग को बड़ा बना देता है। मैंने इसका सर्किट बनाया है और आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं? तुम इसे कैसे बना सकते हो? बनाया है। सूर्या, इस यान का डिजाइनर कौन है? जी आप। इंजीनियर कौन है? जी आप। सीनियर कौन है? जी आप। जब मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस यान में ज़ेनॉन गैस है ही नहीं, तो तुम ज़ेनॉन एम्पलीफायर कैसे बना सकते हो? मैंने बनाया है और काम भी बहुत अच्छा कर रहा है। आपको चाहिए? पर इस यान में ज़ेनॉन गैस है ही नहीं, तो तुम्हें मिली कहाँ से? यान में से नहीं, साइडी के कान में से मिली। ज़ेनॉन से ही साइडी छोटी से छोटी आवाज सुन सकता है। भूल जाना क्या होता है? चल आप साइडी। वो तो साइडी के सर में बनाया है। क्या, पर इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? आसान है, यंत्र साइडी से जोड़ दीजिए। वाह, कमाल है। साइडी बैठो, साइडी बैठो। कैप्टन व्योम, आओ साइडी। कैप्टन व्योम, ये देखिए यंत्र तैयार। इतने सारे बिंदु क्या है? ये सूर्य, ये ग्रह मंडल, ये पृथ्वी और ये रहे हम। मिस्टर फुलर, ये तो मैं भी जानता हूँ। ये सारे चमकते बिंदु क्या है? बताता हूँ, ये रहा हमारा यान उल्का, ये दुर्गति, ये विषकन्या और सोनिक साथ साथ, ये विकाल, ये छलासुर, ये रहा मॉर्फो और ये रहा गवितो। मिस्टर फुलर, आपने तो कमाल कर। अरे मेरा नहीं, ये तो सूर्य का कमाल है। क्या तुम लोग? मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी, मेरा। शराब साइडी, क्या तुम पहले ग्रेविटो का पूछा करते हैं प्लीज? नहीं सूर्य, सबसे पहले मॉर्फो का कैप्टन व्योम, क्योंकि वो हमारे तारामंडल से बाहर निकलकर अकीरा तारामंडल तक पहुंच गया है। पायलट पाब्लो, हम अकीरा तारामंडल से कितनी दूरी पर? 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। लेकिन देखिए कैप्टन व्योम, वहां पास में एक वर्म होल है, अगर मॉर्फो वहां तक पहुंच गया तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। उसके वर्म होल तक पहुंचने से पहले क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? हाँ पकड़ सकते हैं, यान को ओवरड्राइव में डालना पड़ेगा, लेकिन अभी तक यान का ओवरड्राइव टेस्ट नहीं हुआ है कैप्टन व्योम। मिस्टर फुलर, यान ओवरड्राइव में जाएगा? जरूर जाएगा। बिना टेस्ट किए यान को ओवरड्राइव में लेके जाने के 23 खतरे। खतरा नंबर 1, यान टूट सकता है। खतरा नंबर 2, शट अप साइडी। चलो पायलट पाब्लो, विश्व प्रमुख को संदेश भेजो, हम मॉर्फो के पीछे अकीरा जा रहे हैं, वहां से संपर्क नहीं कर पाएंगे, लौटने पर संपर्क करेंगे। जी कैप्टन। चलो अकीरा, गेट रेडी, उल्का ओवरड्राइव। कहा था यान को कुछ नहीं होगा। मुझे तो इस यान की इंजन पे तरस आता है। यह अकीरा का सूर्य मंडल है, इसके तीसरे ग्रह ओजू से मॉर्फो के संकेत आ रहे हैं। मॉर्फो का मूल वतन तो लैम तारा मंडल है, वो यहाँ क्या कर रहा है? मूल वतन चाहे कोई भी हो, मॉर्फो के संकेत यहीं से आए। लेफ्टिनेंट माया, मॉर्फो का इतिहास बताओ। मॉर्फो एक ऐसी शक्ति का स्वामी है जिसके द्वारा वो अपने आप को जीवित या निर्जीव वस्तुओं में बदल सकता है। उसने ये विद्या अपने पिता से सीखी, जो अपने आप में एक सिद्ध पुरुष है। पहले पहले तो पिता और पुत्र ने इस शक्ति का उपयोग लैम निवासियों के कल्याण के लिए किया, लेकिन अचानक एक दिन मॉर्फो ने लैम को छोड़ा और हमारे सूर्य मंडल में आ धकेला, और फिर उसने प्लूटो छावनी को नष्ट कर दिया। लेकिन इससे भी हमें ये पता नहीं चलता कि वो यहाँ क्या कर रहा है। शायद वो यहाँ अपने पिताजी से मिलने आया होगा। सूर्य की बातों में दम है, ओजू से मॉर्फो जैसे एक और लैम निवासी जीव के संकेत आ रहे हैं। हो सकता है मर्फी भी यहीं कहीं मौजूद।
वायु को गति देने वाले, जल को जीवन देने वाले, मिट्टी को रूप देने वाले, अग्नि को प्रकाश देने वाले, परमपिता, गुरु श्रेष्ठ परमपिता महापुरुष मर्फी, मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। तुम अपनी विद्या में आज भी उतने ही निपुण हो। ये विद्या तो आप ही की देन है गुरुदेव। जानता हूं। अब कहो, मुझसे क्या चाहते हो? कैप्टन ब्लेज, मॉर्फो को पकड़ने में आपका साथ देगी डॉक्टर ज़ेन। कैप्टन व्योम, आप तो अच्छी तरह जानते हैं मैं जो भी करता हूं अकेले ही करता हूं। मैं जानता हूं कैप्टन ब्लेज, और आप भी जानते हैं कि मॉर्फो पृथ्वी का मानव नहीं है। डॉक्टर ज़ेन पराजीवों की विशेषज्ञ है, वो आपकी मदद करेगी। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कैप्टन ब्लेज, मैं बहस नहीं करना चाहता। डॉक्टर ज़ेन आपके साथ जाएगी, ये मेरा हुक्म है। आइए डॉक्टर ज़ेन। कैप्टन ब्लेज, गुस्सा थूक दीजिए। जो योद्धा गुस्से में युद्ध करने जाता है कभी जीत कर नहीं आता। कहो मॉर्फो, मुझसे क्या चाहते हो? आपके दर्शन हो गए गुरुदेव, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सत्य कहने में इतना संकोच मॉर्फो, सत्य कहो। ये सत्य है परमपिता। असत्य, ये मत भूलो मॉर्फो कि मैं तुम्हारा पिता ही नहीं तुम्हारा गुरु भी हूँ। तुम क्या थे, मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता था और तुम क्या बन गए हो, ये हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। बोलो, तुम्हारे इस वृद्ध पिता से तुम क्या चाहते हो? गुरुदेव, मैं आपसे चंद्र सिद्धि की विद्या प्राप्त करना चाहता हूं। तुम चंद्र सिद्धि के योग्य नहीं रहे। गुरुदेव, आपने हमेशा मेरे साथ अन्याय किया है। आपका श्रेष्ठ शिष्य होने के बाद भी आपने हमेशा मेरी योग्यता को शंका की दृष्टि से देखा है। किसी भी विद्या में निपुण होना ये कोई योग्यता का प्रमाण नहीं है। चंद्र सिद्धि पाते ही तुम उसका उपयोग काली शक्तियों की सेवा में करोगे। आपने भी वही मान लिया गुरुदेव जो विश्व प्रमुख और उनकी सरकार ने मान लिया। क्या ये सत्य नहीं कि काली शक्तियों के आदेश पर तुमने प्लूटो छावनी के लाखों निर्दोष मानवों की हत्या की? गुरुदेव, मैं तो उन काली शक्तियों पर विजय पाने के लिए गया था। आपसे सीखी हुई संपूर्ण विद्या का प्रयोग करने के बाद भी मैं उनके मोहजाल में फंस गया। प्लूटो हत्याकांड भी मुझसे इसी अवस्था में करवाया गया था गुरुदेव। अपने आप को संभालो मॉर्फो। आयो जेल से सीधा आप ही के शरण में आया हूँ महापुरुष मर्फी। उन्हीं काली शक्तियों पर विजय पाने के लिए मैं आपसे चंद्र सिद्धि की शिक्षा पाना चाहता हूँ। देंगे ना? लगता है तुम्हें ढूंढते हुए कोई यहां तक आ पहुंचा है। वृक्ष बन जाओ। कैप्टन ब्लेज, रुकिए, बस यही चक्कर लगाते रहिए। मेरा यंत्र बता रहा है कि मॉर्फो और मर्फी दोनों यही हैं। लेकिन ज़ेन, यहाँ तो पेड़ों के अलावा कुछ नहीं है। मेरा यंत्र गलत नहीं हो सकता। जो दिखाई नहीं देता वो हो कैसे सकता है? खैर, मैं यान को नीचे लेके जाता हूँ, तुम ध्यान से देखना। कुछ दिखाई दिया? नहीं। कभी कभी यंत्र भी खराब हो जाया करते हैं। कई साल पहले जब मैं तेजा को ढूंढने आया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कैप्टन ब्लेज, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते थे? ऐसे ही एक खतरनाक मिशन में मैं अपने सारे साथी खो चुका हूँ। ऐसे मिशन में जाने वाला हर कोई जानता है कि उसे जान का खतरा है।
बिना वजह से अपने आप को दोषी मत ठहराइए कैप्टन प्लीज। ये हम कहां आ गए परमपिता? ये अकीरा का पवित्र स्थल है, यहाँ दिव्य हवाओं की चादर के नीचे हम सुरक्षित रहेंगे। मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तुम्हें चंद्र सिद्धि की शिक्षा देने। गुरु श्रेष्ठ, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरी बात का विश्वास कर लिया। लो, इस जल से अपनी शुद्धि करो। महसूस कर रहे हो मॉर्फो? लगता है जैसे सारी तृष्णा तृप्त हो गई। अब आसन ग्रहण करो। क्या अनुभव कर रहे हो? लगता है जैसे प्रकृति की कोमल गोद में बैठा हूं। सत्य की कोमलता है। अब चंद्र सिद्धि के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हूं गुरुदेव। चंद्र सिद्धि पाने का पहला चरण है मन की शुद्धता, क्योंकि चंद्र सिद्धि पाकर तुम चंद्र का रूप धारण कर सकोगे, ग्रहों के समुद्र में मंथन करवा सकोगे, जीवन का सर्जन कर सकोगे। तैयार हूँ गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। किंतु इतना याद रहे मॉर्फो, यदि तुम यहाँ एक भी असत्य वचन बोले तो यही दिव्य हवाओं का घेरा तुम्हारा दम घोंट देगा। जिस जल से तुमने अपनी शुद्धि की थी वही जल विष बन जाएगा, और जिस दिव्य पत्थर पर तुम बैठे हो उससे निकलेगी सत्य की ऊर्जा जो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। किंतु गुरुदेव, इतनी कठिन परीक्षा क्यों? यह परीक्षा नहीं है पुत्र, ये मन की शुद्धता का प्रमाण है, चंद्र सिद्धि पाने की योग्यता का प्रमाण है। अब मंत्रोच्चार आरंभ करते हैं। हे चंद्र सिद्धि के दाता, हे चंद्र सिद्धि के दाता, मुझे शरण में लो, मुझे शरण में लो। करो शुद्ध मेरा तन मन, करो शुद्ध मेरा तन मन, के मुख से निकले सत्य वचन, के मुख से निकले सत्य वचन। जो सोचूं केवल सत्य हो, सत्य हो, जो कहूं केवल सत्य हो, सत्य हो, जो सोचूं असत्य मेरा नाश हो। अब इस प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुमने प्लूटो की छावनी पर हमला किया? हाँ। स्वयं की इच्छा से या किसी के वश में आकर? पुत्र, यदि तुम वास्तव में निर्दोष हो तो कहो। केवल सत्य कहना पुत्र, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। कहो पुत्र, तुम निर्दोष हो ना? कहो पुत्र। असत्य, घोर असत्य। क्यों मेरे साथ ये छल क्यों? अरे पिता हूं तुम्हारा, गुरु हूं तुम्हारा, तुम्हारे हर अपराध की शुद्धि कर सकता था, फिर ये कपट क्यों? मन करता है इसी पल तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दूं। पिता हूं, पुत्र की हत्या नहीं कर सकता, लाचार हूं, अपने ही शिष्य को चंद्र सिद्धि नहीं दे सका, दुखी हूं, जाओ मॉर्फो, चले जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। मूर्ख पुत्र, मेरे अभागे पुत्र, इस स्थल पर अपने अभागे पिता को मारकर तुमने मुझ पर पहला उपकार किया है। बहुत बोला बुढ़े, अब मर जा और मुझे चैन की सांस लेने दे। देखा चमत्कार,
अंत में सत्य वचन तुम्हारे भी मुख पर आ ही गया। अब मुझे तुम्हें दंड देना ही होगा। अब अगर मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया तो सारी सृष्टि मुझ पर एक अन्यायी होने का कलंक लगाएगी। जाओ। ये क्या किया? मेरी उंगली काटी। यही मेरा दंड है। अब तुम पूरी तरह कभी नहीं बदल पाओगे। जो भी रूप धारण करोगे वो तुम्हारी ही तरह अधूरा रह जाएगा। एक अधूरा सत्य। अरे मुझे अधूरा कहने से पहले अपने जीवन के बारे में सोचा होता महापुरुष मर्फी। अधूरे तो आप थे, आप सदाचार और परोपकार का अधूरा जीवन जीने से मिला क्या? हाँ? न खुद कुछ पाया, न मुझे कुछ पाने दिया। यहां तक कि मुझे चंद्र सिद्धि की शिक्षा देने से पहले मर गए। देखा, ऐसे नीरस जीवन का अंत एक अर्थहीन मौत। आप चाहते तो अपनी सिद्धि से क्या कुछ नहीं पा सकते थे। सारा विश्व आपके कदमों में होता और आपके बाद मेरे मेरे कदमों में होता। लेकिन नहीं नहीं, तुम मेरी शक्ति बढ़ाने से डरते थे। तुम्हें लगता था कि शायद मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। तुम नहीं जानते थे कि काली शक्तियों से हाथ मिलाकर मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली कब का हो चुका था। हाँ, एक चंद्र सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मौत के वक्त वो सिद्धि तुम्हारे क्या काम आई? हाँ, विजय तो मेरी हुई ना। हमारे युद्ध में मॉर्फो की विजय है। अब देखते रहना बुड्ढे, तुम्हारा ये पुत्र सारे विश्व पर विजय कर दिखाएगा। एक उंगली कट जाने से मेरा इरादा नहीं बदलेगा। तुम्हें लगता था कि मेरी सारी शक्तियां मेरी एक उंगली में थी? बेवकूफ थे तुम। रूप विद्या तो मेरे अंग अंग में है। बुढ़े बुढ़े, ये क्या करके मर गया? रूप बदलने में मुझे इतना दर्द पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारा श्राप काम कर गया। क्या ये उंगली? इसको तो मेरी काली शक्तियों के मदद से मैं दोबारा जोड़ दूंगा। मैं फिर से पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन गई कहां मेरी उंगली? कहां गई मेरी उंगली? कैप्टन ब्लेज, देखिए, यहां दो बिंदु नहीं सिर्फ एक नजर आ रहा है। या तो मॉर्फो हो सकता है या मर्फ। महापुरुष मर्फी को हमसे बचने की कोई जरूरत नहीं। जो छुपेगा वो मॉर्फो होगा। कैप्टन ब्लेज, यान अतारी, संकेत यहीं से आ रहे हैं। वो यही कहीं है, बहुत करीब। क्या तुम्हारा यंत्र ये नहीं बताता कि वो इस वक्त कौन से रूप में होगा? नहीं, लेकिन जब वो रूप बदलता है तब उसकी तरंग पकड़ लेता है। जैसे ही वो दिखाई दे उसे फौरन बेहोश कर देना। क्या हुआ? अरे ये क्या है? ये तो उंगली है। उंगली? शायद मॉर्फो की कटी हुई उंगली। फेंक दो इसे। क्यों? ये मॉर्फो की कोई चाल हो सकती है। कैप्टन ब्लेज, सिर्फ एक उंगली से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं इसे उल्का ले जाऊंगी, वहां इसकी पूरी जांच करूंगी। Captain,
अपनी जान बचाओ। यहां से जल्दी निकल चलो सेंट। पाब्लो, कैप्टन ब्लेज और डॉक्टर सेंट वापस आ रहे हैं। स्पेस मोबाइल से संपर्क करो। जी कैप्टन। कैप्टन व्योम, हमें उल्का में प्रवेश करने की इजाजत दीजिए। कैप्टन ब्लेज कहाँ है? उन्हें बहुत चोट आई है। और मॉर्फो? उसी ने कैप्टन ब्लेज को चोट पहुंचाई। उसे पकड़ नहीं पाए? नहीं, हमें फौरन प्रवेश करने की इजाजत दीजिए। उल्का में प्रवेश की इजाजत है, पर आने वाले यान में से तो तीन जीवों के संकेत मिल रहे हैं कैप्टन। ये कैसे हो सकता है? मेरा कंप्यूटर तो यही कहता है कि तीसरा जीव मॉर्फो है। पाब्लो रुको, सुरक्षा कवच बंद कर दो।